इस पीएफपी को देखिएगा, एसएल अरोड़ा की ये पीएफपी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक सॉलिड बॉल है 300 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब उस बॉल का जो डायमीटर है वो 300 सेंटीमीटर का। पानी पिया, डकार आ रही है। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, सॉलिड बॉल जो है उसका डायमीटर दे रखा आपको, ये लेट अस सपोज की बॉल है, इसका डायमीटर कितना दे रखा, 300 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है, तो इसका आधा करोगे तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। आगे कह रहा, इज समर्ज इन अ लेक एट सच अ डेप्थ दैट द प्रेशर एग्जर्टेड वाटर, इतने उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो इतना लग रहा है। इस बॉल को आपने कहाँ पानी के अंदर डुबो दिया, तो इस पर जो प्रेशर लगा पानी का वो कितना लगा, इतना लगा। तो प्रेशर को आप यहाँ लिखो, प्रेशर कितना दे रखा, 1 kgf सेंटीमीटर की पावर माइनस 2। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर की पावर माइनस 2। अभी सब सीजीएस में आ गया, अभी ये फोर्स, अब देखो ये प्रेशर है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर की पावर माइनस 2 है, तो आपको ये देखो प्रेशर जो था फोर्स अपॉन एरिया होता, तो ये ग्राम एफ दे रखा, तो आपको क्या करना है इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 980 से मल्टीप्लाई और कर देनी है। तो जब आप इसको 980 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जब 980 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फिर ये उस केस में ये डाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और 980 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, ये डाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है प्रेशर की, ठीक है। इस रेडियस की मदद से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। हमसे कह रहा है फाइंड द चेंज इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। आपसे ये भी कह रहा है के फॉर मटेरियल ऑफ द बॉल, के जो कापा है इस बॉल के मटेरियल का वो है ये 10^13 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया कापा दे रखा आपके पास। अब इसको सॉल्व करें, आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको एक चीज़ पता है, सिंस वी नो दैट आपको कापा क्या है दे रखा है, डेल्टा वी निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास वॉल्यूम की कमी है। तो पहले एक काम कर लो, वॉल्यूम निकाल लो, या फिर आप फाइनल फॉर्मूले के अंदर भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो लगा दो, यहाँ वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू रख दो 3.14 और आर का क्यूब, आर कितना आपके पास 150, इसका क्यूब करोगे तो 150 आप 3 बार लिखोगे, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर की पावर 3 में, ठीक है। अब आप लगाओ, सिंस वी नो दैट एक चीज़ जानते हैं आप, कापा जो होता है ये होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी अपॉन वी आप यहाँ ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा पी अपॉन के। डेल्टा वी आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और लिख लो, डेल्टा वी ये किसके बराबर हो जाएगा, पी वी अपॉन कापा के, ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या है, डेल्टा वी चाहिए तो आप यहाँ पर P की वैल्यू रखोगे, और P आपके पास कितना है 980 × 1000, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 98 × 10^4, ये मेरे पास P था। वॉल्यूम कितना मेरे पास, ये है वॉल्यूम 4/3 3.14 और 150 3 बार है, तो 30 लिख सकता हूँ, 15 का क्यूब करके मैं ये कह सकता हूँ 1000। और नीचे क्या चल रहा है मेरे पास, कापा, कापा की वैल्यू कितनी है ज़रा बताओ, कापा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10^13, ये आ चुका। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लो, सॉल्व करना बड़ा आसान है। कैसे आसान है, ये 10^4 है और ये 10^3 है, तो 10^7 बचेगा, 10^7 हो जाएगा इन दोनों का, और ये 10^13 है, देखो ये 10^13 है, ये ऊपर जाएगी 10^13 तो माइनस में हो जाएगी, और 10^7 प्लस का और 13 माइनस का, तो वैल्यू कितनी आएगी 7×6 13 10^-6 की फॉर्म में, तो 10^ आपने मैनेज कर ली 98 4/3 3.14 15 का क्यूब और ये बचेगा 10^-6। इस छोटी सी वैल्यू को सॉल्व कर लो और आंसर पा लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर गई है ये वैल्यू आ जाएगी 1.385 और सेंटीमीटर का क्यूब। ये वाली वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए दे रहा हूँ,
हालांकि बहुत कम ऐसा चांस हुआ है कि मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दी है, स्पेशली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर, लेकिन ये कैलकुलेशन आप थोड़ी सी परफॉर्म कर लेना, 1.385 सेंटीमीटर क्यूब इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ। थैंक यू।